एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने हर बुधवार पुलिस अधिकारी आपके द्वार के तहत सैजुना थाने पर चौपाल लगाया, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने बताया कि बुधवार को जिले के 20 स्थानों पर पुलिस चौपाल का आयोजन किया गया, जहां पर राजपत्रित अधिकारी थाना पर पहुंचकर नागरिकों की समस्याओं का निस्तारण किए। एसएसपी ने बताया कि सहजनवा के चौपाल में कुल 8 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिसमें मौके पर ही एक मामले में मुकदमा पंजीकृत करने हेतु निर्देशित किया गया तथा 2 प्रकरण में जांच के आदेश दिए गए। इसके अलावा थानों पर चौकीदारों व पुलिस कर्मियों से सीधा संवाद किया गया तथा प्रभारी निरीक्षक को थाने की कार्यप्रणाली को और बेहतर बनाने के दिशा में आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। IGRS प्रार्थना पत्रों के आवेदक तथा मुकदमे से संबंधित वादी से वार्ता कर उनके द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्रों के त्वरित निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा, जिले में चौपाल में 131 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से कुल 41 प्रकरणों का निस्तारण करते हुए 3 प्रकरणों में मुकदमा पंजीकृत करने के आदेश दिए गए। साथ ही साथ 38 प्रकरण में निरोधात्मक कार्रवाई तथा 49 प्रकरणों में जांच हेतु संबंधित अधिकारी को दिशा निर्देश दिया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने कहा, आज बुधवार की पुलिस चौपाल हमारी लगी है जनपद में, जहां पर कि सभी राजपत्रित अधिकारी थानों पर गए हैं और वहां जनता की समस्या का निस्तारण कर रहे हैं। थाने का भी निरीक्षण किया जा रहा है, पुलिस की कार्यप्रणाली देखी जा रही है। इसी क्रम में आज मेरे द्वारा थाना सहजनवा पर पुलिस चौपाल का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कई लोग आए और यहाँ पर कुछ मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं, कुछ में पुलिस को मौके पर जांच के लिए भेजा गया है और जो अन्य प्रकरण हैं उनमें भी उनकी शिकायत का शीघ्र ही निस्तारण करवाया जाएगा।